पोको एक्स फाइव एंड रियलमी 11X, तो ये दोनों ही फोन्स ना काफी ज्यादा अच्छे हैं अपनी अपनी प्राइसिंग में। अगर पोको एक्स फाइव की बात करूं तो 5 से 6 महीने हो चुके हैं आए हुए और प्राइस इसका काफी ज्यादा घट गया, मतलब 15,000 रुपए में फ्लिपकार्ट पे आपको इजिली मिल जाएगा ये। और जो 11X का तो प्राइस आपका 15,000 रुपए निकला ही है, तो ये भी आप स्कीम में खरीदोगे तो फिलहाल तो 14,000 तक मिल जाएगा। तो दोनों की सिमिलर प्राइसिंग है वैसे देखा जाए तो, पर आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन आना चाहिए, 5 महीने पुराना फोन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा या लेटेस्ट मॉडल ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये कंफ्यूजन ना मतलब आपको जरूर डाउट देगी कि दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करें। डिजाइन की बात कर लेते हैं, दोनों फोन का डिजाइन तो काफी अच्छा आता है। अगर पोको X5 की बात करूं तो 3D डिजाइन है और आपका 11X का एक 2.5D डिजाइन है। बॉक्सी वाला फील आपको अगर लेना है तो ये इसमें 3D डिजाइन है, मतलब हैंड फील काफी अच्छा है इसका भी। बाकी दोनों में ही सेम पॉलीकार्बोनेट बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है। साथ में दोनों फोन्स की और बात करूँ ना तो दोनों की थिकनेस भी काफी सेम आती है। पोको X5 की थिकनेस आती है 7.9 mm और इसकी 11X की आती है 7.8 mm, तो कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है। वेट में भी अगर दोनों फोन्स आप हाथ में होल्ड करो तो ऐसा लगता है सेम ही फोन है, वेट में भी आपको कुछ खास डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपका पोको X5 का वेट आता है 189 ग्राम जबकि आपका 11X का 190 ग्राम आता है, तो वेट भी लगभग काफी सिमिलर है और थिकनेस भी दोनों की काफी सेम है। बस जो फर्क है वो ये एक 3D डिजाइन है, मतलब कि मतलब साइड से एजेस अंदर की तरफ है, ये एक 2.5D डिजाइन है, एक बॉक्सी डिजाइन है, तो ये आपको वो फील दे देगा। बाकी मुझे कहीं ना कहीं इसका डिजाइन ज्यादा सही लगा पोको X5 का, वैसे मुझे फ्रेम वाले मतलब कि ये बॉक्सी डिजाइन ज्यादा अच्छे लगते हैं, पर जो इसका कैमरा सेटअप है ना, ये गोल सा कैमरा है, इसमें आपको दो बड़ी बड़ी आंखें देखने के लिए मिल जाएगी। ये डिजाइन मुझे कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं लगा, मतलब अगर इस फोन को मैं बिना कैमरे के देखूँ ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर जैसे इसका एक गोल सा कैमरा आता है और इसके अंदर दो जो बड़ी बड़ी से कैमरे दिए हैं, आंखें दी हैं, तो मुझे ये कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया डिजाइन। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है आपको दोनों फोन में से किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है। सिम कार्ड ट्रे पे आ जाता है कि दोनों में आपको कैसी सिम कार्ड ट्रे मिलती है, तो पोको X5 में आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है और अगर रियलमी 11X की बात करूं तो इसमें आपको एक ट्रिपल कार्ड सिम कार्ड ट्रे मिलती है, तो ये डिफरेंस है। आपको 11X में ट्रिपल कार्ड मिल रही है और पोको X5 में एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे मिल रही है। दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो पोको X5 में आपको 6.67 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले मिल रही है जो कि एक FHD प्लस डिस्प्ले है। रियलमी 11X की बात करूं तो 6.72 इंच की एक IPS LCD FHD प्लस डिस्प्ले आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट मिलता है और पोको X5 में आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है जबकि रियलमी 11X में 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। बाकी पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो पोको X5 में आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है जबकि रियलमी 11X में 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है। बाकी दोनों की प्रोटेक्शन की बात करूं तो पोको X5 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है जबकि रियलमी ने ना मेंशन नहीं किया है कि इनका कौन सा प्रोटेक्शन है। दोनों ही फोन्स में आपको 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है। दोनों की जो स्मूथनेस थी ना वो देखने के लिए मिली मुझे, दोनों ही काफी स्मूथली वर्क कर रहे थे, दोनों के टच स्वाइप्स दोनों काफी स्मूथ थे। बाकी दोनों में अगर आप सेटिंग में जाओगे तो चेंज कर सकते हो। पोको X5 की बात करूं तो 60 हर्ट्ज आता है, 120 हर्ट्ज पे से सेलेक्ट कर सकते हो तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। रियलमी 11X में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक 60 हर्ट्ज आता है, एक 120 हर्ट्ज, एक ऑटो का ऑप्शन मिलता है। ऑटो में यह है कि अपने हिसाब से यूज कर पाएगा आपके रिफ्रेश रेट को, तो उसमें यह रहेगा कि आपकी बैटरी जो ज्यादा यूज होती थी 120 हर्ट्ज पे वो अपने हिसाब से मैनेज कर पाएगा, जहां से लगेगा कि 90 हर्ट्ज पे चलना चाहिए वहां उस हिसाब से चलेगा, तो अपने हिसाब से चेंजेस करेगा। तो 11X में ये एक अच्छी बात लगी मुझे कि रिफ्रेश रेट को लेके एक ऑटो का ऑप्शन दिया है इन्होंने, तो ये एक अच्छी बात है रियलमी 11X की। बाकी दोनों ही फोन्स में अगर कंपेयर करो डिस्प्ले को तो क्लियरली विनर निकलता है हमारा पोको X5, बिकॉज यार एक AMOLED डिस्प्ले है ना, जो कलर्स है वो ज्यादा अच्छा है ना, 15,000 में आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिल रही है तो इससे अच्छा क्या है, और वो भी 120 हर्ट्ज के एक हाई रिफ्रेश रेट के साथ। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि आपके लिए अगर आपको डिस्प्ले ज्यादा अच्छी चाहिए तो पोको X5 आपके लिए ज्यादा बेटर डील है। दोनों ही फोन के वेरियंट्स की बात कर लेते हैं तो पोको X5 में हमारे पास 6128 है, इसके साथ आपको 8 256 GB वेरियंट मिलता है, तो दो वेरियंट आते हैं आपके पोको X5 में। रियलमी 11X की बात करूं तो 6128 वेरियंट हमारे पास है, इसके साथ आपको 8128 वेरियंट और मिल जाता है, तो इसमें आपको 256 GB तक की स्टोरेज मिलेगी, मैक्सिमम इसमें 128 तक की मिल जाती है। बाकी दोनों ही फोन में आपको LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 दोनों ही फोन्स में आता है, तो वो सेम है। अब दोनों फोन्स के प्रोसेसर की बात कर लेते हैं कि किसमें ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, तो पोको X5 में आपको जो देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 695 जो कि 5G चिपसेट है, और Realme 11X में मिलता है आपको MediaTek Dimensity 6100 Plus जो कि एक लेटेस्ट चिपसेट है। 695 स्नैपड्रैगन काफी ज्यादा टाइम हो गया इसे और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, काफी टाइम हो गया, इसका मतलब ये नहीं है चिपसेट खराब है।
और 6100 प्लस एक लेटेस्ट चिपसेट है। ये आपका कहीं ना कहीं आपको डायमेंसिटी जो 700 आता था उसके काफी ज्यादा सिमिलर है, मतलब थोड़ा बहुत फर्क है उससे, बाकी बिल्कुल सिमिलर है। दोनों ही 6nm फैब्रिकेशन पे है। साथ में दोनों के 5G बैंड्स की बात करूं तो आपका पोको X5 में 12 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि रियलमी 11X में आपको 9 5G बैंड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी दोनों ही फोन में करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है आपको, मतलब 4G प्लस का ऑप्शन आपको दोनों ही फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में अगर दोनों के अंतुतु स्कोर की बात करूं ना, तो पोको X5 का अंतुतु स्कोर 4,10,000 के आसपास आता है और रियलमी 11X की बात करूं तो इसका भी 4,00,000 के आसपास आता है। तो दोनों का अंतुतु स्कोर काफी सिमिलर निकलता है, बट जो परफॉर्मेंस है उसमें मेरे हिसाब से आपको दोनों में ही काफी सिमिलर परफॉर्मेंस मिलती है। दोनों ही डे टू डे यूज में काफी अच्छे रहने वाला है, दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मल्टीटास्किंग में। अगर थोड़ी बहुत आप गेमिंग करोगे, वीडियो एडिटिंग करोगे, तो उसमें भी दोनों ही फोन्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 695 तो काफी फोन्स में आ भी चुका है, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 6100 प्लस ये एक लेटेस्ट चिपसेट है, पर ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पर दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपका, अगर GPU को कंपेयर करो तो मेरे हिसाब से ना पोको X5 आपको एक बेटर परफॉर्मेंस दे देगा कंपैरिजन वाइज। तो पोको X5 695 के साथ आपको थोड़ी एक एडवांटेज देता है कि परफॉर्मेंस में 19-20 का फर्क है, पर आपका पोको X5 20 जरूर है, 19 नहीं है, 19 आपका रियलमी X है। दोनों ही फोन्स की अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो BGMI खेला हमने दोनों ही फोन्स में। अगर पोको X5 की बात करूं तो आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो, 40fps की गेमिंग सपोर्ट करता है आपका है। तो गेमिंग फोन तो नहीं है, पर तभी भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप थोड़े बहुत गेम खेलते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जो जितनी देर भी खेला हमने काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, ज्यादा लैग्स देखने के लिए नहीं मिले, काफी स्मूथ गेम प्ले हमने खेला इसमें। तो काफी देर खेला, इतने ज्यादा हीटिंग इशू भी नहीं थे, ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस रहा मेरा पोको X5 के साथ। रियलमी 11X की बात करूँ ना, तो ये भी सेम स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जाता है, मतलब 40fps की गेमिंग आप इसमें भी कर सकते हो, तो इसमें भी मुझे कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं हुई। बाकी गेमिंग एक्सपीरियंस इसका भी काफी अच्छा लगा। रियलमी 11X में मुझे थोड़ी दिक्कत ये लगी ना, इसका जो जायरो है ना, जायरो खोल के थोड़ा सा लैग कर रहा था फोन, ऐसा लग रहा था जायरो काफी स्मूथ वर्क नहीं कर पा रहा था। तो गेमिंग फोन है, इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इससे, पर तब भी मेरे हिसाब से अगर दोनों की परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करूं मैं, तो मैं ले पोको X5 एक बेटर डील रहेगी। तो आपको अगर परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर चाहिए तो मेरे हिसाब से पोको X5 5 महीने पुराना हो चुका है, पर तभी भी आपके लिए एक बेटर डील रहेगी। दोनों ही फोन के कैमरा सेटअप की बात करूं ना, तो पोको X5 में आपको 48MP का मेन कैमरा मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो। और रियलमी 11X की बात करूं तो 64MP का मेन कैमरा आता है, 2MP का डेप्थ आता है। बाकी दोनों ही फोन में आप 1080p 30fps तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। अब दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरे की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में जो सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है, पोको X5 में आपको 13MP का एक सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि रियलमी 11X में 8MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। बाकी दोनों में सेम 1080p 30fps तक आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी दोनों ही फोन से कुछ कैमरा सैंपल्स की बात करूं तो पहली फोटो जो निकल के आती है, पोको X5 ने डायरेक्ट सनलाइट को काफी अच्छे से मैनेज किया है, जो फेस पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट फोटो की बात करूं तो दोनों में ही कलर्स अच्छे हैं, डिटेल्स अच्छी हैं, और ज़्यादा बेटर आपको डायनेमिक रेंज कहीं ना कहीं रियलमी 11X में देखने के लिए मिलेगी। तो डायनेमिक रेंज के हिसाब से रियलमी 11X काफ़ी अच्छी फोटोज क्लिक कर रहा है, डिटेल्स तो दोनों में ही अच्छी हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करूँ तो ज़्यादा बेटर आपको जो डिटेल मिल रही है पोको X5 में मिल रही है, रियलमी 11X थोड़ी ब्यूटीफाइड कर रहा है फेस को, तो काफ़ी डिटेल मिस है, और साथ में एयर डिटेक्शन भी ज़्यादा बेटर कर रहा है पोको X5। बाकी अगर नॉर्मल मोड से फोटो लोगे तो ज़्यादा बेटर कलर आपको कहीं ना कहीं रियलमी 11X में देखने को मिलेंगे। तो फोटोज़ नॉर्मल फोटोज़ लेनी है आपको तो रियलमी 11X मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। पोर्ट्रेट शॉट्स में पोको X5 ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है, बाकी वाइड एंगल सिर्फ पोको X5 में आता है, जो कि आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। वाइड एंगल में थोड़ा आपको शेडोज को ज्यादा अच्छे से एक्सपोज नहीं कर पाता, जबकि 48 मेन कैमरे से जो कर रहा है वो ज्यादा अच्छे से क्लिक कर रहा है। बाकी मैक्रो मोड आपको सिर्फ पोको X5 में देखने के लिए मिलता है, तो 2MP का है कैमरा, तो इतनी ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, तो नॉर्मल सी फोटोज आ जाती हैं। बाकी सेल्फी की बात करूं तो दोनों में ही आपको सिमिलर सी स्किन टोन और कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस मुझे देखने के लिए नहीं मिला दोनों ही फोटोज में, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर मुझे फोटो लगी है रियलमी 11X की फ्रंट से। बाकी दोनों के नाइट मोड की बात करूं तो क्लियरली मुझे निकलता है रियलमी 11X, उसमें जो कोई डाउट नहीं लगा। ज्यादा ब्राइटर फोटो कहीं ना कहीं पोको X5 की है, पर नॉइस बहुत ज्यादा दिख रही है, जबकि रियलमी 11X काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर रहा है, ब्राइटर भी है और साथ में डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको नाइट मोड के लिए कोई फ़ोन चाहिए तो रियलमी 11X आपके लिए एक बेटर डील रहेगी। बाकी दोनों के अगर वीडियोस की बात करूँ ना, तो फ्रंट से आप अगर वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, व्लॉगर हो, तो दोनों ही फोन्स ठीक सी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, दोनों 1080p 30fps तक रिकॉर्ड कर पाते हैं।
बाकी डिटेल्स और कलर्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं Realme 11X में थोड़े ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी रियर कैमरे की रिकॉर्डिंग की बात करूँ ना तो दोनों में आपको जो डिफरेंस मिलता है ये है कि थोड़ी ज़्यादा स्टेबल आपको पोको X5 की वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाती है, पर जो एक्सपोजर काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाता है वो करता है Realme 11X। तो Realme 11X में कलर थोड़े बेटर हैं और साथ में डिटेल्स भी अच्छी आ रही हैं। दोनों ही फोन्स में आपको बैटरी सेम देखने के लिए मिलती है, दोनों में ही 5000mAh की एक बड़ी बैटरी आती है और जो चार्जिंग स्पीड आती है दोनों की वो भी सेम है, दोनों में 33W की आपको चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो चार्जिंग के लिए आपका दोनों ही फोन सेम है, आपको कोई भी ले सकते हो, दोनों में बैटरी भी सेम है और चार्जिंग स्पीड भी सेम है। तो प्राइसिंग के हिसाब से दोनों में 33W आ रहा है तो काफी अच्छा है, 15,000 रुपए में आपको 33W मतलब सही डील है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही फोन के साथ। दोनों ही फोन की ऑडियो सुन लेते हैं किसकी ऑडियो ज्यादा बेटर है, तो पोको X5 की बात कर लेते हैं पहले। Realme 11X देखते हैं कि अब इसकी आवाज कैसी आती है। तो दोनों ही फोन्स के जो ऑडियो है लाउड है, मतलब दोनों में ही सिंगल स्पीकर आता है, दोनों में डबल स्टूडियो स्पीकर नहीं है, दोनों में सिंगल स्पीकर है। बाकी अगर दोनों की ऑडियो की बात करो दोनों ही लाउड है, मतलब दोनों का साउंड मुझे काफ़ी सिमिलर लगा, दोनों की जो लाउडनेस है वो सिमिलर है पर बेस का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बेस आपको ज़्यादा बेटर सुनने के लिए मिलेगा आपका पोको X5 में। तो ऑडियो के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पर तभी भी पोको X5 की ऑडियो मुझे थोड़ी बेटर लगी, जो बेस है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। दोनों ही फोन्स की OS की बात करूँ तो पोको X5 में आपको MIUI 13 देखने के लिए मिलता है जो कि Android 12 पे बेस्ड है, और Realme 11X की बात करूँ तो Realme UI 4.0 आता है जो कि Android 13 पे बेस्ड है। बाकी पोको X5 12 पे इसलिए है क्योंकि 5-6 महीने पहले आ गया था, फिलहाल इसे अपडेट करोगे आप तो ये भी Android 13 पे आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोनों ही फोन में भर भर के ब्लॉटवेयर है, तो दोनों में ही आप ब्लॉटवेयर अपने अनइंस्टॉल कर सकते हो और दोनों ही फोन में आपको डायरेक्टली ऐप शेयर करने का ऑप्शन मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी OS में ना दोनों ही सही है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा OS ज़्यादा ईजी टू यूज़ लगता है और कौन से OS में आपको ज़्यादा सही एक्सपीरियंस रहने वाला है। मेरे लिए ना मुझे Realme 11X में जो Realme UI ये मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है, Realme में हो, OnePlus में हो, Oppo में हो, तो ये Realme वाला UI मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, क्या पता आपको MIUI ज़्यादा बेटर लगे, वो आपके एक्सपीरियंस की बात है, आपने कौन सा OS ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर रखा है। तो मेरे हिसाब से मुझे Realme 11X का OS ज़्यादा बेटर लगता है। फाइनली आपको इन दोनों फ़ोन में से ना कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ना दोनों ही फ़ोन्स अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, प्राइसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 6128 दोनों के सेम ही प्राइसिंग में आते हैं, 14999 मतलब 15,000 रुपये में, और जो इसका 8256GB है X5 का ये आता है आपका 16999 मतलब 17,000 रुपये का, और Realme 11X का जो 8128 है वो आता है 15999 मतलब 16,000 रुपये का। तो प्राइसिंग ना सबकी काफ़ी सिमिलर है, मेरे हिसाब से दोनों ही फोन्स काफ़ी अच्छे हैं। जो मेजर डिफरेंस है ना वो ये है कि डिस्प्ले में आ जाता है, इसमें एक AMOLED डिस्प्ले है, इसमें IPS डिस्प्ले है, तो वो जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक AMOLED डिस्प्ले होना मतलब काफ़ी अच्छी बात है और 15,000 के अंदर तो मतलब बहुत ही सही एक आपको स्मार्टफोन मिल रहा है ये पोको X5 मेरे हिसाब से, इसमें IPS डिस्प्ले। बाकी दोनों में जो डिफरेंस आता है इसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है, 11X में जो मैंने फोटोज़ लिए हैं मुझे ज़्यादा बेटर लगी है पोको X5 के कंपैरिजन में। मेरे लिए पर्सनली अगर मुझे लेना हो तो मैं पोको X5 ले लूँगा क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छा है, जो परफॉर्मेंस है ना वो भी ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से, और साथ में ना एक ऑल ओवर सब कुछ मिलता है, डिस्प्ले भी और AMOLED डिस्प्ले तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मेरे हिसाब से पोको X5 मिलने बेटर डील है। बाकी आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा आप हमें बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर सकते हो, तो ये सब आप ज़रूर कर देना, बाकी हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे।